इस सेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शन में देखा था कि एक्सिस पर एक्सिस ऑफ अ डाइपोल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। फिर हमने इक्वेटोरियल लाइन पर भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एंड फिर जनरल पॉइंट के लिए भी हमने देखा था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम दोनों तीनों केस के लिए डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन करके। तो मान लो केस वन लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल पर क्या होने वाला है, जैसे मान लेता हूं कि यहां माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L लेते हैं अपने सहूलियत के लिए, और इसके सेंटर से डिस्टेंस R ले लो, तो ध्यान देना R इज दिस लेंथ इज R, ठीक है। तो R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, हमें VP निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट VP। तो क्या होगा, तो सिंपली जस्ट एडिशन में कर देंगे, यहां से एक लेंथ L ज्यादा है, एक लेंथ L कम है चार्जेस का, तो G एट पॉइंट P स्केलर क्वांटिटी होता है, तो दो चार्जेस यहाँ पर देखना, तो दो चार्जेस के कारण क्या होगा, सम ऑफ द, तो इसको मैं पॉइंट फिलहाल के लिए A दे देता हूँ, इसको पॉइंट B दे देता हूँ, ठीक है। तो A के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ध्यान देना माइनस K माइनस Q बाय लेंथ कितना है, ध्यान देना R और प्लस L, प्लस ये A के कारण होगा, B के कारण भी कितना होगा बताओ, तो k इंटू स्मॉल q बाई ये यहां जहां तक r है और ये लेंथ l है, तो r माइनस l ये हो गया। अब बस इसको ऐड कर देना है, तो आप ऐड करोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा क्या k क्यू बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू यहां पर आपका माइनस है माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, दिस विल कम के इंटू टू क्यू एल बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस विल कम इक्वल टू क्यू इंटू टू एल क्या हो जाएगा डाइपोल का वैल्यू, तो दिस विल कम के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। और ऑफकोर्स इसका डायरेक्शन आप नहीं डालोगे कहीं वेक्टर क्वांटिटी में, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम लोग एक स्पेशल केस इसी में लेते हैं, स्पेशल केस क्या कि फॉर ए स्मॉल डाइपोल, इसका मतलब क्या, स्मॉल डाइपोल के केस में क्या होगा, एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, और आपका कंपैरिजन बहुत लार्ज होगा, तो यहां से जो डिनोमिनेटर में आपको एल स्क्वायर दिख रहा है वो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जीरो उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे अप्रोक्सीमेटली इन कंपैरिजन टू स्मॉल आर, and this Vp will become V at point P will become Kp by R square, ठीक है। So this is the potential due to the a small dipole at a axial point। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, ठीक है। Now next is on the equatorial line। Equatorial line पर क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखते हैं, तो ध्यान देना यहां पर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, दोनों के बीच से डिस्टेंस 2L हम लोग ले रहे हैं, और इसके मिड पॉइंट से ध्यान देना मिड पॉइंट से डिस्टेंस हम लोग स्मॉल r ले रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट P लाई कर रहा है, नाउ व्हाट इज द VP, आपसे VP फिर से पूछ रहा है, दिस इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो ध्यान देना ये जो लाइन ये लेंथ होगा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर ही होगा उतना है, तो इसको फिर से A दे देता हूं नाम, इसको मैं B दे देता हूं जस्ट पॉइंट्स का नेम, तो V एट पॉइंट P क्या लिखेंगे बताओ, ड्यू टू A कितना होगा माइनस ए क्यू बाई
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया ड्यू टू ए। ड्यू टू बी कितना होगा बताओ, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सी दोनों इक्वल पोजिशन, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया जीरो। सो मतलब कि एक्सिस पर इसके इक्विटोरियल लाइन पर आप कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। सो दिस इज जीरो पोटेंशियल लाइन। या अगर इस तरह से सरफेस हम लोग इस तरह परपेंडिकुलर देखें जो कि इस लाइन के क्रॉस पास करेगा, तो दिस परपेंडिकुलर एक्स प्लेन विल बिकम जीरो पोटेंशियल प्लेन। ठीक है, सो दिस इज योर जीरो पोटेंशियल प्लेन। ओके, तो यहां पर एक चीज आपसे पूछा जा सकता है इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन कि भैया अगर जो मैं डाइपोल के केस में मैं बताना चाहूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, आप थोड़ा बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। तो ध्यान देना, एनी प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एनी प्लेन विच इज हुज नॉर्मल वेक्टर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, सो ऑल सच प्लेन एंड प्लेन्स आर इक्विपोटेंशियल। All those planes are equipotential surfaces. और especially, लेकिन ये केस वैलिड है स्मॉल डाइपोल के लिए, इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि यहां से अगर जो जो प्लेन पास करेगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो दैट प्लेन विल बिकम प्लेन ऑफ जीरो पोटेंशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इक्विटोरियल पॉइंट पर हमने ये जान गया तो पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। नाउ एट एनी पॉइंट, थर्ड केस हम लोग लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग अगर कंसीडर करें तो कैसे करेंगे, तो ऑफ कोर्स एनी पॉइंट जो हम लोग निकालते हैं दैट वी कैलकुलेट फॉर अ स्मॉल डाइपोल ओनली। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कि एक स्मॉल डाइपोल है जिसकी मैग्नीट्यूड डी है, इससे कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पर है पॉइंट पी, ठीक है, जो कि एंगल थीटा बना रहा है। तो अब ध्यान देना, फिर से जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए थे, इस डाइपोल का दो कंपोनेंट लिए थे, एक्सियल कंपोनेंट एंड इक्विटोरियल कंपोनेंट। तो इस डाइपोल का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा पी कॉस पी साइन थीटा जो कि इक्विटोरियल होगा, और इधर एक आएगा पी कॉस थीटा जो कि एक्सियल होगा। तो इक्विटोरियल के कारण इस पॉइंट पर कितना होगा, वीपी ड्यू टू इक्विटोरियल, मतलब कि साइन थीटा कंपोनेंट के कारण कितना होगा, हम लोग यही करेंगे ना, इस डाइपोल का वी सॉरी पी साइन थीटा कंपोनेंट कारण यहाँ पर पोटेंशियल प्लस पी कॉस थीटा कारण यहाँ पर पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पी साइन थीटा आपको इक्विटोरियल में लाई कर रहा है, ध्यान देने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, थोड़ा मेरा परपेंडिकुलर नहीं गया है। तो P साइन थीटा जो कंपोनेंट है दिस इज इसके लिए ये लाइन का इक्विटोरियल लाइन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण P साइन थीटा के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। और P कॉस थीटा के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, हमने पिछले क्लास अभी टॉपिक में देखा था केपी बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर P की जगह P कॉस थीटा है तो P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज VP इक्वल टू, पहले इसको वैल्यू हो गया कितना, KP cos theta by R square, और यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं K P dot R cap by R square, this can also be written, ठीक है, P dot R cap by R square, so this is your, और इसको क्या लिख सकते हो, this can also be written as K P dot R vector, vector जब दे दीजिए यहां पर R cube आ जाएगा, ठीक है, so this is the potential VP, so this is for any point, at any point. ठीक है, एट एनी कॉमन पॉइंट पी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस पर निम्नलिखित बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, आप कहीं से आप बना सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।